हालांकि मैं खुद भी बीजेपी का था, इस बार नहीं वोट किया हूँ बीजेपी को, मैं खुद भी सपा को वोट किया हूँ। और जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो पहले अयोध्या वासी को दर्शन कराना चाहिए था कि विदेशी को? दूसरी बात, तुम लोग वहाँ फैशन मंगाए और अयोध्या वासियों को घर से निकलने नहीं दिए। मैं पूछता हूँ, अयोध्या वासी का क्या हक नहीं था कि पहला दर्शन वो करते? रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा प्रभु की हुई है और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कैबिनेट की बैठक भी यहां पर हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का रोड शो भी यहां पर हुआ, लेकिन कहा जाता है किसी चीज का प्रभाव नहीं दिखा और लोकसभा का चुनाव इस बार बहुत ही बेकार रहा और अयोध्या की भी सीट जो है भाजपा के पक्ष में नहीं गई। और आइए जानते हैं क्या कारण रहा कि किस कारण के कारण जो है लोकसभा की सीट में आपकी इजाफा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई और अयोध्या की सीट हार गई। सर क्या कारण? सर इसका वो कारण है जो ये यहाँ वेस्टर्न कल्चर अपना लिए, जबकि कल्चरल इंडिया रहा है। यहाँ साधु संत जो दूर दराज से आते हैं उनको स्नान ध्यान पर भी जो है इन्होंने प्रभाव डाल दिया है। ये कमर्शियल हब बना दिए हैं अयोध्या को। श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के 80 बरस, 60 बरस, 100 बरस के लोग आते थे, आटा चावल लेके कहीं भी अपना लिट्टी चोखा बनाए पा लिए। एक ट्यूबवेल आपको अयोध्या सरजू तट पर नहीं मिलेगा, ट्यूबवेल नल पानी का कमर्शियल हब है। अब सब गरीब एक तो बोतलें खरीदेगा 20 रुपया में तो चलेगा भैया? नहीं चलेगा। इस बात को महसूस करना चाहिए उनको। कल जाता है मोदी जी ने कहा कि मोदी गारंटी 400 पार का एक लक्ष्य लिया गया कि अब की बार राम लहर चलेगी, तो आपको क्या लगता है राम लहर नहीं चल पाई, क्या कारण रहा इसका? कारण यही रहा कि ये वेस्टर्न कल्चर यहाँ ला दिए है जी। कल्चरल इंडिया है, कल्चरल अयोध्या है, यहाँ साधु संतों का नगरी कहा गया है, जहाँ साधु संतों को इग्नोर किया गया है। 5% VIP साधु है जिसको जोगी जी इज्जत देते हैं, 95% साधु जो है वो शाम में क्या खाएंगे उनके पास नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न हो गया है, ढाबा सब खुल गया है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो लोग आश्रम में आते थे, बाबा का दर्शन किए, बाबा को चढ़ावा चढ़ता था, बाबा मंदिर में भोग राग सवैया आरती, अब बाबा अपने लिए जो बनाते थे तो 5 मूर्ति को खिलाते थे। आज बाबा लोग टूट गए हैं, भीतर मंदिर जितना है 14,000 स्थान है जिसमें से 100 मंदिर ही टिका हुआ है, चूंकि वो VIP पर्सन है, उनकी अप्रोच है गवर्नमेंट से, बाकी को तोड़ दिया गया। करोड़ों झुग्गी झोपड़ी में दुकान थी जिसको अब हजार में ले आया गया है। कहिए भैया ये कॉमर्शियल हब है कि रिलीजियस पैलेस है? तो रिलीजियस पैलेस को रिलीजियस नहीं माने, इन्होंने जो है धमाधम पर जो किए हैं, जो बहुसंख्यक जनता को, बहुसंख्यक संतों को जो इग्नोर किए हैं, उसका ये फल है सर। और हो सकता है अगर नहीं संभलेंगे तो हो सकता है विधानसभा में गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहा, आप युवा हैं, कि इस बार जो है सीट कम आई उत्तर प्रदेश में? देखिए अभी हमारे यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, और यहाँ पे आपने जैसे बाबा जी ने भी बताया कि कई गरीबों को जिस तरीके से उजाड़ा गया, उनका मकान गिरा दिया गया, कई लोगों के पास रहने का व्यवस्था तक नहीं था, तब भी उनको नहीं समझा कि कहीं व्यवस्था करा के उनको पहले व्यवस्थापित जगह पे बैठा दिया जाए, उसके बाद गिराया गया, मकानों को ढहा दिया गया, बताइए सब जनता नहीं समझ रही है क्या? जैसे इस बार का जो चुनाव था वो जनता बनाम सरकार था, जनता बनाम सरकार कि नेता, जनता बनाम सरकार हो गया। क्या कहना चाहेंगे, आप युवा हैं, इस बार वोटिंग करने के लिए गए होंगे, क्या संकल्प लेकर गए थे? मेरा साफ मतलब था रोजगार था, ठीक। इन्होंने मैं वैकेंसी पे टोटल देखा, क्योंकि इनके सरकार में मुझे दो चीज दिखा, अगर निकाल ना तो वैकेंसी निकाली जा रही ना तो कंप्लीट कराई जा रही, सिर्फ इन्होंने सिर्फ टोटल धर्म पे राजनीति की है। इस वजह से मैं, जैसे आप एक युवा हैं, अब आगे क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को या विधायक को या सांसद को, किस प्रकार से क्षेत्र में काम करें कि अगली बार जब चुनाव हो तो वो पूरी तरह से जनता विश्वास? मेरे हिसाब से अगर इन्हें करना चाहिए तो इन्हें देखना चाहिए जैसे ये लोग बड़े लोगों को देखते हैं, मेरे हिसाब से जनता को जो गरीब वर्ग है उसको देखना चाहिए। और ये चीज रोजगार मेन मुद्दा इनको रखना चाहिए, अगर ये रोजगार मेन मुद्दा रख दिए, क्योंकि एक लड़का जैसे मैं ही सिंगल मान लीजिए कोई तैयारी करने वाला व्यक्ति है, उससे 5-7 लोग जुड़े होते हैं, माँ बाप नात रिश्तेदार, अब अगर एक व्यक्ति चाहेगा तो वो 5-7 वोट कटवा सकता है। सेम इसी बेस पे इनकी जो हुई है हार इसी वजह से हुई है जी। मेरे हिसाब से
अयोध्या आपको कैसी लग रही है इस समय की? हमको तो सही लग रही, लेकिन अयोध्या की जनता जो है जी, उसको डेवलपमेंट भी चाहिए। हाँ। और किसी की दुकान अगर सड़क पे लगाए हैं तो सड़क भी नहीं जानी, वो दुकान भी नहीं जानी चाहिए जी। हाँ, तो बोल रहे हैं कि इस बार विधानसभा, लेकिन विधानसभा इतना मजबूत है बाबा जी का कि वो यहाँ की जनता से के गिराने से नहीं गिरेगा जी। जब तक हर बार मोदी जी की ही गारंटी नहीं चलेगी, ये तो आप मानेंगे ना कि क्षेत्र में सांसद विधायक को भी कुछ करना पड़ेगा। दीप उत्सव हर बार मनाया जाता है, लेकिन क्या कारण हो गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद था वो यहाँ से जीत हासिल नहीं कर पाया अयोध्या से, क्या कारण रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो हार गए हैं तो ये भी निश्चित हो गया है कि जनता उनसे दुखी है जी, ये तो डिक्लेयर हो गया। हाँ। तो दुखी क्यों है जी, ये जानने का प्रयास नहीं किए? क्या कारण है आप बताइए। एक मिनट, कुछ कारण, जैसे एक कारण तो मैं ये बताता हूँ आपको कि राम जी का जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या में जी। और अभी तक का जो कुछ भी सुख या दुख पड़ा है राम जी के कारण, वो अयोध्या वासी के ऊपर पड़ा है जी। ये सही है गलत है जी? सही है या गलत है? सही है, सही है। और जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो पहले अयोध्या वासी को दर्शन कराना चाहिए था जी, कि विदेशी को? दूसरी बात, तुम लोग वहां फैशन मंगाए और अयोध्या वासियों को घर से निकलने नहीं दिए, ऐसे व्यक्ति को हराना नहीं, ऐसे व्यक्ति को निकाल देना चाहिए समाज से। मैं पूछता हूँ, अयोध्या वासी का क्या हक नहीं था कि पहला दर्शन वो करते? मैं पूछना चाहता हूँ कि अयोध्या वासी का हक नहीं था? गोली चला अयोध्या वासी सहा, सब दुख अयोध्या वासी सहा। जब सुख का संपत्ति आई, जब सुख का समय आया तो आप विदेशियों को दर्शन पहले कराए, अयोध्या वासियों क्यों नहीं कराया गया? हारने का ये कारण, जो 20 साल 50 साल से अपना अड्डा बनाए हुए थे आज वो सब नष्ट कर दिया गया। तो तब तक हारते रहेंगे जब तक अयोध्या वासियों को सुखी नहीं देंगे, जीवन देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इस समय जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग कह रहे हैं आप अयोध्या जाइए तो आप वहाँ से प्रसाद ना खरीदिए, आप अयोध्या जाइए तो अपने खाने पीने की व्यवस्था करके जाइए, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो है राम जी को वोट नहीं दिया, इसलिए ये चीजें कितनी सही है इस पर आप भ्रमित है? ये वो भ्रमित है, भ्रमित है वो। जिस व्यक्ति को पंचवर्षीय योजना, जिस व्यक्ति को 5 बार सांसद चुना गया हो, तो इतना बड़ा विश्वास कोई दिला सकता है? इतना बड़ा विश्वास, इतना जितना बड़ा विश्वास अयोध्या का वासी ने किया है सांसद के ऊपर, इतना कहीं किसी ने किया है? अयोध्या वासी का कोई हेल्प नहीं किए, अयोध्या वासी का कोई मदद नहीं किए, अयोध्या वासी से आकर के नहीं पूछे कि भैया तुम्हारा क्या हालचाल है? देना और करना तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने हालचाल भी नहीं पूछा, तो अयोध्या तो आज भी दुखी में है। अभी देखिए, हम लोग यहाँ पर हैं, हमारी गाड़ी यहाँ नहीं जा सकती, फोर लाइन पे रुकेगी। एक बुजुर्ग अगर वहाँ पर है तो फोर लाइन से यहाँ तक कैसे आएगा? पास दिखाइए, ये करिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, कहीं भी, हमारा घर वहाँ पर है तो आपको घुमा करके 4 किलोमीटर घुमा दिया जाएगा। ये स्वास्थ्य, जल, पानी का व्यवस्था कहीं नहीं है, एक भी पाइप आप दिखाइए, कहीं पानी नहीं मिले, ये बोतल पानी खरीद के पीजिए। क्या शौचालय बनाए हुए हैं? 10 रुपए शौचालय, हमसे क्यों पूछते हो? कहा जाता है वे, उनका जो नगर निगम है उनका तो रोज कहना है कि हर जगह शौचालय की निःशुल्क व्यवस्था की गई, हर जगह कहीं देखिए, बताइए, कुछ पूछिए, पानी की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क वही व्यवस्था है, हर जगह तो है व्यवस्था, कहाँ नहीं है? 10 रुपए हर जगह शुल्क है। अरे जो अपना पर्सनल बनाया वो तो लेगा ही, सरकार ने सुविधा तो करा रखी है, जो है आप पैसा दे के करना चाहो तो पैसा। दोनों शौचालय की बात कर रहा हूँ, 10 रुपए मैं रोज लेता हूँ, 10 रुपए मैं स्वयं देकर आता हूँ, और लो मैं प्रमाणित करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।